फंक्शन बनाना ये एक मोस्ट प्रोबेबली काफी आसान टास्क है। मतलब हम लोग देखो ना, यहाँ पे ज्यादा कुछ थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे DEF कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में फंक्शन को एक प्यारा सा नाम दे दे रहे हैं, मतलब ऐसा नाम जो रिलेट करे उस चीज से कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट्स दे दे रहे हैं, उसके बाद में कोलन दे रहे हैं, एंड देन वी आर राइटिंग सम थिंग्स। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमको ग्रीटिंग करेगा, राइट? तो हमने ब्रैकेट्स दे दिए और उसके बाद में कोलन दे दिया, और हम लोग एक इंडेंटेशन लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नीचे कॉन्जिक्यूटिवली जो लाइन्स आएगी वो फंक्शन का पार्ट होगी एट दिस सेम लेवल, दैट्स इट, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली अभी क्या होगा, हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स कीप द थिंग सिंपल। मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित, और उसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं और एक प्रिंट कर देते हैं कुछ। ठीक है, लेट्स प्रिंट समथिंग लाइक हेलो अगेन, राइट? हेलो अगेन, दैट्स इट। सो आप लोग यहाँ पर इसी लेवल पर जो कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर, इट इज इनसाइड द फंक्शन, और जैसे हम लोग बाहर आ गए, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। एज ऑफ नाउ देखो, मैंने फंक्शन को बस बनाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड इट, राइट? तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? सो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू सी दीज टू प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द आउटपुट, बट सिर्फ यही दिखेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, दैट्स इट, राइट? सिंपल है। एंड आप लोग ये भी ऑब्जर्व करो कि ये जो फंक्शन है उसे किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहा है, इवन इफ वी आर कॉलिंग इट। जैसे अगर मैंने इसको ऐसे कॉल किया, तो इसे किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कोई डेटा हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिंट जो फंक्शन इस्तेमाल करते हो, उसको आप लोग प्रिंट करने के लिए कुछ डेटा देते हो। जब आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो आप प्रॉम्प्ट दिखाने के लिए कोई मैसेज को इनपुट देते हो इन द फंक्शन, राइट? या फिर जब आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कि भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट की लेंथ चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट जा नहीं रहा है हमारे ग्रीटिंग फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तब, राइट? तो हम लोग अभी बेसिकली इस बारे में बात करने वाले हैं कि इसको आर्ग्यूमेंट कैसे देना है, हाउ कैन वी गिव इट, राइट? सिंपल है ना, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रोग्राम की, मतलब बिना आर्ग्यूमेंट्स के क्या क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें हो रही है। ठीक है, लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल, हम लोग इसको रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को रन करना बहुत आसान है, हमको बस टाइप करना है पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है functions.py, दैट्स इट। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमने अभी फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे अभी हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित और हेलो अगेन, ये दोनों भी आ रहे हैं, राइट? बट अगर मैं फंक्शन को कॉल ही ना करूं, तो आप लोग देख सकते हो ये लाइन जो फंक्शन का पार्ट नहीं है, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट? सिंपल है, इट्स सिंपल इनफ। तो हम लोग बेसिकली अभी इस पर रोशनी डाल देते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे देनी है फंक्शन को। ठीक है, सिंपल है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हाउ कैन वी प्रोवाइड सम आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, राइट? सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, इट्स लाइक जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग सम डेटा टू द फंक्शन फॉर डूइंग समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम लोगों को दो नंबर्स को ऐड करना है। सो मे बी द थिंग इज कि हम लोग उस फंक्शन को दो नंबर देने वाले हैं, इट्स लाइक हम लोग जब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो द सिचुएशन विल बी लाइक ए फंक्शन इधर आ, ये दो नंबर ले और मुझे इनके एडिशन करके दे, इट्स लाइक दिस, इट्स दैट सिंपल, राइट? काफी आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। सो बेसिकली यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले। सो आर्ग्यूमेंट इज लाइक सम डेटा दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू सम फंक्शन, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग उसको वो डेटा दे रहे होंगे, वी अब वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट डेटा टू दैट फंक्शन, दैट्स इट, राइट? तो अभी एज ऑफ नाउ ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है, ये कोई भी डेटा नहीं ले रहा है, राइट? वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, दैट्स इट। बट वॉट इफ ये ग्रीटिंग फंक्शन को हम लोग थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं अभी, ठीक है? हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ग्रीटिंग तो करेंगे, बट बंदे को, यूजर को, सामने वाले उसका नाम पूछेंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे हेलो और फॉलोड बाय उसका नाम, दैट्स इट, जो भी है, वॉट एवर नेम, राइट? वो हम लोग अभी करेंगे। अब इनपुट तो भैया बाहर से आ रहा है, और हेलो बोलने वाला है फंक्शन, तो हमें फंक्शन को बोलना पड़ेगा, फंक्शन इधर आ,
और ये ले, इसको तुझे हेलो बोलना है, दैट्स इट, इट्स लाइक दैट, राइट। इसे देख लेते कि कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। देखो ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फंक्शन हम लोग शुरुआत से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट्स में पैरामीटर दे देता हूँ एक, ठीक है। इट्स लाइक नेम, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, दैट्स इट, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई एक आर्ग्यूमेंट पास करोगे इसको, दैट वुड बी लाइक दिस वुड बी द वेरिएबल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट नेम, ठीक है। ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दैट यू वुड बी पासिंग, राइट। और ये जो नेम है, इसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे, दैट्स इट, राइट। तो मैं यहाँ पर सीधा बोल सकता हूँ प्रिंट, उसके बाद में हेलो, और उसके बाद में मैं कॉमा करके नेम लिख दूंगा, दैट्स इट। और हाँ, ये वेरिएबल है बस, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, यूजर नेम वगैरह कुछ भी, एनीथिंग, राइट। तो हम लोग यूजर नेम ले लेते हैं अभी का फिलहाल, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है नहीं। अभी जरा ग्रीटिंग को कॉल करते हैं, ठीक है। अभी देखो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। चीज ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर ग्रीटिंग को ऐसे कॉल करते हैं तो हमें एक एरर आएगा। एरर ये होगा कि भैया देखो, आप कॉल तो कर रहे हो बट आप ये नहीं बता रहे हो कि हेलो किसको बोलना है, मुझे चाहिए नाम बताओ मैं किसको हेलो बोलूं, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे ही सीधा सीधा कॉल कर देते ना तो हमें एरर आएगा, राइट। लेट्स ट्राई इट। देखो टाइप एरर, देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ग्रीटिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विच इज यूजर नेम। वो सिंपली इतना बोलना चाहता है कि भैया देखो, आप ग्रीटिंग को कॉल तो कर रहे, ठीक है, बट ग्रीटिंग को कुछ चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हो, शायद भूल गए हो, तो वो काम नहीं कर सकता अपना जब तक आप उसको दोगे नहीं वो, राइट। तो उसे यूजर नेम चाहिए, हम लोग उसे यूजर नेम देंगे, विल गिव इट एज ज्ञानी पंडित, राइट, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखो हम लोग इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स भी दे पाए हैं, राइट। वी आर एबल टू प्रोवाइड द डेटा टू दैट फंक्शन व्हाइल वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अभी फिर से हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर, CLS का इस्तेमाल करके क्लियर कर दिया हमने, और फिर से कॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो बेसिकली ये लाइन तो फंक्शन का पार्ट है ही नहीं, दिस वन, राइट। एंड सी, हेलो ज्ञानी पंडित, दैट्स इट, हमने बोला हेलो और फॉलोड बाय यूजर नेम जो भी होगा, तो यहाँ पे जो भी यूजर नेम जाएगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दैट्स इट, राइट। यहाँ पे अगर मैं पाइथन करता हूँ और फिर से रन करते हैं हम लोग इसको, तो इट्स लाइक हेलो पाइथन, इट्स हियर, राइट। सिंपल है ना बहुत ज्यादा, तो ये चीज आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो आप लोग बहुत बार ये देखते आ रहे हो कि हम लोग फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली हमारे साथ में होता आ रहा है कि कोई एक फंक्शन होता है और हम लोग उसको कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कुछ हो रहा है वहां पर। जैसे प्रिंट फंक्शन है, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मतलब वी आर टेलिंग इट कि क्या प्रिंट करना है, राइट। यहां पर भी देखो प्रिंट और बोला ये प्रिंट करना है, दैट्स इट, राइट। इनपुट फंक्शन में लिख दिया इनपुट फंक्शन और बोल दिया ये मैसेज दिखा दियो यूजर को, दैट्स इट। लेंथ फंक्शन में हमने बोला कि भाई देख इसका लेंथ चाहिए हमको, इट्स लाइक दैट, सिंपल है, राइट। सो वी आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स टू दैट फंक्शन बिकॉज दे आर नेसेसरी, राइट, क्योंकि उनकी जरूरत है। अब लेंथ फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का लेंथ कैलकुलेट करे, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट ना, तो वो चीज का हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एंड हाँ, आपने देखा होगा शायद कि काफी सारे फंक्शन ना ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, राइट। अब बहरहाल हम लोग यहाँ पर एक ही दे रहे हैं अभी की, बट हम लोग भी मल्टीपल दे सकते हैं, बट वैसा आपको करना पड़ेगा, राइट। एक काम करते हैं, उसके लिए अलग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर नाउ लेट्स कमेंट दिस थिंग, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ओके, सो दैट वी जस्ट गेट मोर स्पेस। तो हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे अभी। अब हमें फंक्शन को नाम भी तो देना है, तो बेसिकली फंक्शन का नाम इस चीज पर से डिसाइड होगा कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। और बेसिकली मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि हम लोग फंक्शन बनाने कौन सा वाले हैं, मतलब क्या करने वाला है हमारा फंक्शन। तो देखो लेट्स कीप इट सिंपल, ज्यादा अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाते नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो अभी फंक्शन बनाने वाले हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, इट विल टेक टू नंबर्स और उनको मल्टीप्लाई कर देगा, दैट्स इट, राइट। सो बेसिकली वी आर पासिंग मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स दिस टाइम, है ना, सिंपल बात। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग इस फंक्शन का नाम रखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दैट्स इट राइट। और इसको जाएंगे दो नंबर्स, तो नम वन एंड नम टू फॉर एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इंडेंटेशन में यहाँ पर आके राइट, अगर ये इंडेंटेशन आपके इसमें नहीं आ रहे हैं तो देने पड़ेंगे, आप टैब की मदद से दो राइट क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, द इंडेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई का कोड लिख देते हैं दैट्स इट। मैं काम करूंगा प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें करूंगा नम वन इंटू नम टू दैट्स इट राइट। सो नम वन इंटू नम टू का जो भी रिजल्ट है, इट्स लाइक द प्रोडक्ट इज द वेरिएबल फॉर दैट राइट, वी आर असाइनिंग द रिजल्ट वैल्यू टू द प्रोडक्ट वेरिएबल दैट्स इट राइट। और फिर प्रिंट कर देते प्रोडक्ट को, ओके सिंपल इनफ, और बाहर निकल जाते हैं फंक्शन के। देखो दिस मोमेंट वी आर आउट ऑफ द फंक्शन, ये जो प्रिंट मैं अभी लिख रहा हूं दिस इज आउट ऑफ द फंक्शन, दिस इज नॉट इनसाइड द फंक्शन राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। और देखो कैसे आपको समझ में आएगा, तो आपको एग्जाम्पल चुड़ाने पड़ेंगे काफी सारे, ठीक है, तब आपको मतलब ये आइडिया आ जाएगा कि आपका फंक्शन कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एंड लाइक क्या क्या इंक्लूड हो रहा है आपके फंक्शन में, वो सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल राइट। बट अ थिंग इज कि प्रैक्टिस करते रहो आप, फंक्शंस बनाते रहो, सॉल्व करते रहो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स, तो आप लोगों को जल्दी ध्यान में आ जाएगा वो, ठीक है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके सो सो फार सो गुड, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट को प्रिंट भी कर दिया है। ओके सो नाउ इट्स टाइम टू कॉल द मल्टीप्लाई फंक्शन, तो मैं सीधा लूंगा मल्टीप्लाई और नम वन की जगह मैं मान लेते पास कर दूंगा 4 एंड नम टू की जगह मैं पास कर दूंगा 7। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कॉल हो रहा है, ठीक है, ये 4 और 7 ये एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास हुए, तो द 4 विल बी असाइन टू नम वन, 7 विल बी असाइन टू नम टू दैट्स इट। और यहाँ पर 4 इंटू 7 हो जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा 28 एंड द आंसर वुड बी 28, इट वुड बी प्रिंटेड राइट, सिंपल है ना। लाते हैं टर्मिनल लेके आते और रन करते हैं इस चीज को। देखो प्रोग्राम को रन करना तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बट पहले काम करते हैं, लेट्स क्लीन द टर्मिनल CLS एंड उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को रन कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी द आंसर इज 28 दैट्स इट। यहाँ पर अगर मान लेते कोई और रख देते नंबर 17 रख देते, ओके तो इट्स लाइक 17 इंटू 7 इट्स 119 राइट। लेट्स कीप अनदर नंबर, इट्स लाइक 12, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं तो वी गेट 84 दैट्स इट। लेट्स ट्राई इट वंस अगेन, 12 और 4 तो 12 इंटू 4 होता है 48, तो वी गेट द आंसर राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू गिव द मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। जैसे जैसे हम लोग फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी, ठीक है, बट बेसिकली दिस इज एन अमेजिंग थिंग फॉर नाउ। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि हम लोग फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं राइट, मतलब यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कोई डेटा प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिस हिसाब से जिस पे वो काम कर सकता है बाद में राइट, सिंपल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर इसके आगे आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ताकि आप लोग इस चीज से भी फैमिलियर हो जाओ कि आप लोग कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो टू द फंक्शन राइट, सिंपल है ना। और यहाँ पर देखो, अगर सपोज मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और मैं यहाँ पर इसको दो नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर आई एम गिविंग टू आर्ग्यूमेंट्स राइट, इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मल्टीप्लाई तो कुछ लेता ही नहीं है, ये आप क्या दे रहे हो, इस डेटा का क्या करूं मैं, इट्स लाइक दैट राइट। ये मतलब सीधा सीधा हमको बोल रहा है कि भैया देखो आपने मल्टीप्लाई को कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं राइट, बट ये दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, इनका क्या करें हम लोग, हमें तो चाहिए ही नहीं दैट्स इट राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि हम लोगों को यहाँ पर ये वी आर जस्ट नाउ डीलिंग विथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आगे चल के हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे फंक्शंस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो उसे और भी चीजें खुल करके आएंगे, बट फॉर नाउ दिस इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और भी ज्यादा, तो इसी के साथ में हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे राइट। तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर ये देख चुके हैं कि किसी फंक्शन को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं राइट। और मैंने आपको ये भी बताया कि लाइक मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको पास करनी है तो वॉट कैन यू डू, आपको उतने मतलब पैरामीटर्स देने पड़ेंगे वहां पर, अभी का आप लोग ये समझ सकते हो ठीक है। बाद में हम लोग जब आगे बढ़ के देखेंगे तो और आपको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर देने हैं तो वो कैसे देने हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू।
तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस को ही और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं।